बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज महविश एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद महविश। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, मदद में होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। 100% रियल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म सालों पुराना है, लेकिन इन्होंने अब अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जैसे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, वैसे आपने यहाँ पर भी पोस्ट लगानी है और आपने अपने पेज को मोनेटाइज करवा लेना है, और फिर उसके बाद आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो बहुत ही आसान सा है। सिर्फ आपके पास 30 पोस्ट होनी चाहिए और इसके अलावा 50 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसीजर नहीं है, यही इसकी मेन जो है क्राइटेरिया है आपको। और 10,000 व्यूज़ लेना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप रेगुलर लेते हैं रहते हैं और इसके अलावा डेली के आप पोस्ट लगाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपके लिए 10,000 व्यूज़ लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। लोग एक एक वीडियो पे लाखों में व्यूज़ लेकर बैठे हुए हैं। तो कैसी वेबसाइट है, इस पे कैसे काम करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, बताती हूँ मैं आपको वीडियो की डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यार से कॉमेंट छोड़ दें। क्रोम पर आपने लिखना है adsense.google.com और आपके पास एडसेंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने अपना डेस्कटॉप साइट का व्यू ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्लेटफॉर्म्स पे आपने क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस किस्म के सारी वेबसाइट्स नजर आ जाएंगी, वो सारी जगह हैं जहाँ से गूगल आपको पैसे देता है, एडसेंस से आप पैसे कमाते हैं। न्यू मोर पे आप क्लिक करें तो सबसे नीचे आपको नजर आएगी योर फैन की वेबसाइट, इस पे आप ने क्लिक कर लेना है। और यही हमारी आज की वेबसाइट है जिस पर हम काम करेंगे। इस करते हैं तो हमारे पास जो फैन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कुछ इस किस्म की नज़र आती है। इसके ऊपर इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपने किस तरीके से यहाँ पर काम करना है और आपने कैसे यहाँ से पैसे कमाने हैं। शेयर योर पैशन एंड अर्न का मतलब ये है कि आपको जिस चीज़ का भी शौक़ है, जिस चीज़ के भी आप वीडियोज़ बनाते हैं या तस्वीरें बनाते हैं, वो आपने यहाँ पर शेयर करनी है और उससे आपने पैसे कमाने हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं बहुत सारी प्रोफाइल्स इन्होंने दिखाई हैं जो इस वक्त टॉप पर जा रही हैं, तो उनमें देखें, इस प्रोफाइल को हम ओपन कर लेते हैं। आप देखें इनके कितने ढेर सारे लाइक्स हैं और हज़ारों में इनके व्यूज़ हैं, और इन्होंने क्या लगाया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ बिल्लियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये देखें, वीडियो भी लगाई हुई है। तो आप इस किस्म की वीडियोज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप बनाते हैं तो आप यहाँ पर लगा कर वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इधर ही आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हाउ मच आई कैन अर्न, तो यहाँ से आपको आपकी पोटेंशियल अर्निंग शो हो जाती है कि आप यहाँ से कम कितना कमा सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो कंट्री सेलेक्ट हुई नज़र आ रही है वो है नॉर्थ अमेरिका, यानी आपकी जो मोस्ट ऑडियंस है वो नॉर्थ अमेरिका से है। और उसके बाद नीचे उन्होंने आपकी पोटेंशियल अर्निंग दिखाई भी है। आप इसको यहाँ से अगर एशिया सेट कर लें, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से देख रहे हैं तो ये सारे कंट्रीज़ जो है एशिया में आते हैं। इसके ऊपर से आप एशिया सेटिंग कर लें और उसके बाद आप ये देखें कि अगर आपके पास 10,000 टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम के हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, तो आप यहाँ से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आपके पास कितनी हो जाती है अर्निंग। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैंने YouTube को बिल्कुल नन कर दिया है, Facebook को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और TikTok के भी फॉलोअर्स बिल्कुल नन कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने Instagram के फॉलोअर्स 13,000 सेट कर दिए हैं, तो इवन देन मुझे $382 यहाँ से अर्निंग हो रही है। ये वो अर्निंग है जो मुझे यो फैन से होगी, इसके अलावा Instagram की अर्निंग अलग से होगी। अब हम यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, साइन अप विद गूगल अकाउंट और साइन अप विद फेसबुक अकाउंट, आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे गूगल से कर लें चाहे फेसबुक से कर लें, मैं अपने गूगल अकाउंट से कर लेती हूँ। साइन अप होने के लिए यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल नेम देना है, याद रहे प्रोफाइल नेम आपका सिर्फ और सिर्फ 16 करेक्टर का हो सकता है। आपने यहाँ पर देखें, मैं अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पर महवेश, तो ये देखें कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इस वजह से ये क्रॉस रेड में है। जैसे ही मैंने लिखा महवेश 9 तो ये देखें कि मेरा ग्रीन टिक हो गया और मतलब ये आईडी जो है ये नाम अवेलेबल है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, जनाब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, ये देखें प्रोफाइल मेरी बन गई है, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं, 0 पोस्ट 0 लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे अपनी गैलरी से, और दूसरी हम अपनी बैनर पिक्चर लगा लेंगे यहाँ पर।
उसके बाद है जनाब एंटर योर बायो, तो हम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख लेंगे। याद रहे इंट्रोडक्शन भी आप सिर्फ और सिर्फ 50 करेक्टर्स का लिख सकते हैं। इसे लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स में आपने अपने जो भी आपका पैशन है, जिस चीज़ के आप वीडियोज़ लिखाएंगे, वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, ठीक है। अच्छा नीचे देखिए सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनकी आईडीज़ यहाँ पर आपने लिंक करते जाना है। लेट्स सपोज आपकी फेसबुक की आईडी है, तो आपने यहाँ पर अपनी फेसबुक की आईडी लगा देनी है, ठीक है, उसको सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है जनाब ट्विटर, ट्विटर की आईडी लगा दें, फिर इंस्टाग्राम के यूज़र आईडी यहाँ पर लगा दें, यूट्यूब चैनल है आपके पास, यहाँ स्नैपचैट है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, और इसके अलावा दो चार प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी आप आईडीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उन सब को आपने यहाँ पर लिंक कर देना है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर आपने लिंक कर देने हैं। इन सब का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको आगे चल कर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी पोस्ट कैसे लगानी है। अपने प्रोफाइल पेज पर आके प्लस पे क्लिक करें, न्यू पोस्ट और न्यू लिंक की ऑप्शंस ओपन होंगी, न्यू पोस्ट पे क्लिक करें और आप अपने ब्राउज़र से जो भी पोस्ट आपने लगानी है, पिक्चर है या वीडियो है, उसको आप सिलेक्ट कर लें। प्रोसेसिंग हो रही है, मैंने यहाँ पर अपनी कल की वीडियो का थंबनेल सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ एज अ पोस्ट। अगेन प्लस पर आप क्लिक करें, न्यू लिंक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो भी वीडियो का टाइटल होगा आपने वो दे देना है। मैं अपनी यूट्यूब वीडियो का जो मेरा कल की वीडियो थी उसका टाइटल यहाँ पर लिखूँगी एज इट इज़, और उसके बाद उसका उस वीडियो का URL वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। क्रिएट पे क्लिक कर दें तो ये देखें आपका जो लिंक है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी प्रोफाइल पर चल कर देखते हैं, ये मेरी पोस्ट आपको नज़र आ रही है और इसके साथ लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा लिंक जो है वो आपको शो हो रहा है। आपको सारा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होने वाला है। ये देखिए फॉलो लिंक आपको नज़र आ रहा है, जो को भी मेरी पोस्ट पर आएगा वो मेरा लिंक यहाँ पर देखेगा तो वो फॉलो करेगा इस वीडियो को देखने के लिए। वो मेरी YouTube पर जाएगा तो मुझे YouTube पर भी व्यू मिलेगा और यहाँ पर भी मुझे व्यू मिलेगा और यहाँ दोनों जगह पर मेरी अर्निंग होगी, ठीक है। तो यही मेथड है यहाँ पर अर्निंग करने का। आप जिधर के भी अगर इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट लगाई है तो उसी पोस्ट का लिंक यहाँ पर आप दे देंगे, उसका URL यानी कि जो है वो यहाँ पर आप दे देंगे। अगर आपने टिकटॉक पर लगाई है उसका भी आप यहाँ पर दे देंगे। तो जो जो आपके लिंक को फॉलो करके आपके इस यो फैन से आपके टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर चला जाएगा तो आपको दोनों जगह पर व्यूज़ भी मिलेंगे और दोनों जगह से आपकी अर्निंग भी होगी। लेकिन अर्निंग से पहले आप अपनी यो फैन की प्रोफाइल को भी मोनेटाइज करवाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पर आप देखें पासवर्ड, तो अपना यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपके याद होगा कि पहले हम लोगों ने गूगल से लॉगिन किया था, इसलिए वहाँ पर हमने अपना पासवर्ड सेट नहीं किया था। नीचे आप देखें डिलीट अकाउंट, अगर इन केस आपको अकाउंट डिलीट करना है, प्रोफाइल स्टेटस नॉट वेरीफाइड है क्योंकि अभी हमने इसको वेरीफाई नहीं करवाया। नंबर वन पे आप देखें कि मैंने क्या करना है, ये वो सारे स्टेप्स है जो हमने मोनेटाइज करवाने के लिए लेने हैं। फर्स्ट स्टेप है जी आपकी ईमेल आईडी जो है वेरीफाई होनी चाहिए, मेरी वेरीफाइड है। सेकंड पे आपने अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है, मैंने अभी तक नहीं दिया, उसको वेरीफाई करवाना है। तीसरे नंबर पर आपने यहाँ पर कम से कम 30 पोस्टें जो है वो डालनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कम से कम 10,000 व्यूज़ जो हैं वो चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा काम मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली की पोस्ट डालते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो ये व्यूज़ हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, 50 आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपके पास सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। क्वालिटी कॉन्टेंट आप डालें और रेगुलर डालें। उसके बाद लास्ट है पास अ कॉन्टेंट क्वालिटी चेक। जब आप फर्स्ट 5 कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल कर लेंगे उसके बाद ये आपकी इनेबल होगी और ये आपके कंटेंट की क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद आपकी प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाएगी। तो होपफुली ये जो न्यू अर्निंग मेथड है जो मैंने आज आपको बताया है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि ये जी फेक है या रियल है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये रियल है और 100% ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हर कोई अर्निंग करता है। तो जनाब मिलते हैं कल हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए अर्निंग मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।